हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया एक बहुत ही हॉट और स्टाइलिश लड़की थी। उसे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। उसकी सुंदरता देखकर लड़के उसके दीवाने तो होते ही थे, साथ ही जब वो उसकी परफ्यूम की खुशबू सूंघते तो बस उसकी महक में खो जाते। ऐसे ही एक सुबह जिया रेडी होकर कॉलेज जा रही होती है और एक ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही जिया की नजर उस लड़के पर पड़ती है, वो उसे रोक कर कहती है, क्या दिक्कत है आपकी? मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। जी नहीं मैम, पीछा तो छिछोरे लड़के करते हैं, हम तो आपके दीवाने हैं। आपकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस और आप मुझे अपनी तरफ खींचने लगते हो। अरे अजीब पागल हो आप। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इज्जत प्यारी है ना, तो शराफत से चले जाइए यहाँ से, वरना बनाऊँ तुम्हारा व्हाट्सएप वीडियो। आए बड़े आशिक। इतना कहकर जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन जिया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और ये सब देखकर ध्रुव वहाँ आ जाता है और उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। जिया किसी तरह ध्रुव को वहाँ से साइड करती है और उससे कहती है, अरे क्या जरूरत थी लड़ाई करने की, कितनी चोट लग गई तुम्हें मेरी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ लूँ। अच्छा वैसे मेरा नाम जिया है और तुम्हारा? मैं ध्रुव। वैसे बुरा ना मानो तो एक एक कॉफी हो जाए। आज नहीं फिर कभी। अबे यार तू पागल है क्या, कितना स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और तू मना कर रही है। अरे मैं होती ना तो कब की हाँ बोल देती। और क्या यार, तू जाना है इसके साथ। ध्रुव मैं क्या सोच रही थी, कॉफी पर चले। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों एक दूसरे से आए दिन मिलने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों के घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन जिया बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर ध्रुव के सामने आती है और जिया को इस तरह देखकर ध्रुव के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। डार्लिंग अगर मैं कहीं खो गई तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? लाखों की भीड़ में भी आंखें बंद करके तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे? इतना ज्यादा कि कोई भी अगर तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। फिर दोबारा ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही तुम मेरे दिल में बस गए थे। तभी तो छुप छुप कर देखता था तुम्हें। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, अजनबी बनकर मिले थे और आज हम सफर बन गए। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ध्रुव जिया को लेकर बहुत ही ज्यादा पोसेसिव हो जाता है, जिसके चलते वो हर पल साए की तरह उसके साथ रहने लगता है। वक्त बीतता जाता है और ध्रुव अपने बर्थडे पर एक होटल में ग्रैंड पार्टी रखता है। उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ आते हैं। जिया भी बहुत ही स्टाइलिश से कपड़े पहनकर पार्टी में आ जाती है। उस पार्टी में जो भी जिया को देखता तो बस उसे देखता ही रह जाता और उसी के बारे में बात करता। ये सब देखकर जिया के पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस पार्टी में ध्रुव का एक बेस्ट फ्रेंड विराज भी आता है, जो कि अमेरिका से सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया होता है। विराज और जिया दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये सब होता देख ध्रुव जिया को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? ध्रुव ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने कोई पहली बार थोड़ी ना ऐसा ड्रेस पहना है। और क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें कोई देखता है ना तो मेरा खून जल जाता है। यार कोई मुझे देखता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है? अब ऐसा अपना अंग प्रदर्शन करोगी तो लोग तो देखेंगे ही।
तभी वहाँ विराज आ जाता है। वो पहली ही नजर में जिया का दीवाना बन जाता है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, यार आज तुम्हारा बर्थडे है ना, एंड तुम्हारी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम उस पे गुस्सा कर रहे हो, यार शांत हो, पार्टी एंजॉय करो यार। ध्रुव विराज की बात मान लेता है और केक कट करता है। विराज पूरी पार्टी में बस जिया को ही देखता रहता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विराज आए दिन जिया और ध्रुव के घर आने लगता है और किसी न किसी बहाने से जिया से खूब बातें करने लगता और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिया को भी विराज से बात करना अब अच्छा लगने लगता है। वो उससे आए दिन छुप छुप कर मिलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन विराज जिया को फोन करके पार्क में मिलने बुलाता है और उससे कहता है, वो जिया मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं विराज, ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, तुम उस साइको ध्रुव को छोड़ दो और मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुश रखूंगा। नहीं विराज, तुम नहीं जानते, अगर ध्रुव को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया ना तो वो हमें जान से मार देगा। और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो उसके मारने से पहले मैं खुद को मार लूंगा। पागल मत बनो विराज, जो तुम चाहते हो वो सरासर गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद से ज्यादा करती हो। और प्यार? हाँ करती हो प्यार, पर मुझे डर है कि ध्रुव हमें कभी एक नहीं होने देगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिया। कुछ देर बाद जब जिया घर वापस आती है तो उसके पति को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो तुरंत ही अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और उससे बात करके उसे अपने गले लगाता है और मन ही मन सोचता है, ये खुशबू तो जिया की है, मेरा शक सही था। क्या हुआ ध्रुव, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ यार ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि जिया अकेली हो जाएगी, तो क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरी बीवी का ध्यान रख सकता है? हाँ क्यों नहीं भाई, आखिर वो मेरी भी तो कुछ लगती है। ध्रुव वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और जिया को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात ध्रुव के वापस आने से पहले जिया विराज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक माहौल तैयार करती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज बैठे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर ध्रुव आ जाता है और उसको विराज की बाहों से खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, वाह क्या माहौल है यहाँ का, मेरे पीठ पीछे मैडम रंगरलिया मना रही है, क्या कमी थी मेरे प्यार में जिया जो तुमको ये सब करना पड़ा। तुम जैसे साइको के साथ नहीं रह सकती मैं। ध्रुव गुस्से से जिया को एक बार फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ विराज पकड़ लेता है और उससे कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें जो बात करनी है वो तुम मुझसे करो। तेरे से तो अच्छे से बात करूंगा, अरे दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है अच्छाई का मुखौटा पहनने वाला तेरे जैसा गद्दार दोस्त। जिया जब मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इतना बोलकर ध्रुव विराज को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे बचाने के लिए जिया आगे आ जाती है और वो चाकू जिया को लग जाता है। जिया वहीं पर खून में लथपथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर ध्रुव को और गुस्सा आता है और वो विराज को भी चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये परफ्यूम वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अलग सा परफ्यूम लगाती हो और जिसके इतने सारे दीवाने हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।